सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कौमी टीम के उभरते हुए फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने वो मुल्की रिकॉर्ड बना डाला जो वसीम अकरम के पास भी नहीं है। मजीद तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले हस्ब रिवायत तमाम दोस्तों से बस एक ही दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कौमी टीम के उभरते हुए फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने वो मुल्की रिकॉर्ड बना डाला जो वसीम अकरम के पास भी नहीं। 19 साल शाहीन शाह अफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। वो अब तक अपने वनडे कैरियर में 19 मैचेस में 21.17 की औसत से 40 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जिनमें 4 मरतबा मैच में 4-4 विकेटें और 1 मरतबा 5 या इससे ज्यादा शिकार करना शामिल है। शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले 19 वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर भी बन गए हैं। इनसे कबल ये रिकॉर्ड फास्ट बॉलर हसन अली के पास था, जिन्होंने 19 मैचेस में 36 विकेटें अपने नाम कर रखी थी। गुगली मास्टर अब्दुल कादिर और रिवर सिंह के मौजूद सरफराज नवाज ने अपने पहले 19 वनडे मैचेस में 33 विकेटें हासिल की थी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने अपने पहले 19 वनडे मैचेस में 31 बल्लेबाजों का शिकार किया था। वसीम अकरम ने अपने पहले 19 वनडे मैचेस में 21 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। तो दोस्तों ये शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कुछ अपडेट, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय के इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे और साथ ही साथ ये भी बता दे कि क्या पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के बाद आने वाले मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी इसी तरह की कारकर्दगी बरकरार रख पाएगा या नहीं। इस हवाले से अपनी राय के इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे।